नमस्कार मातृशक्ति, प्रेगनेंसी एंड केयर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मातृशक्ति, आज हम बात करने वाले हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी क्यों खास है आपके लिए और आपके शिशु के लिए, इसका क्या महत्व है। मातृशक्ति, जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म होती है आपको सलाह मिलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। आपका हर करीबी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, इससे आपका कंफ्यूजन बढ़ना लाजमी है। ऐसे में गर्भवती स्त्री को सूझबूझ से और बुद्धिमानी का परिचय देते हुए अपने डॉक्टर से कंफर्म करके सारे काम करने चाहिए, अपने डॉक्टर के अनुसार ही चलना चाहिए। मातृशक्ति डॉक्टर के मुताबिक गर्भवती स्त्री को बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि शुरुआती 3 महीने बेहद खास होते हैं। आपके शरीर में हार्मोन्स का बदलाव होता है, आप इन बदलावों से बिल्कुल नए होते हैं। ये समय आपके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। इसमें खाने का टेस्ट, आपकी स्किन, आपकी मानसिक स्थिति में बदलाव होता है, जिसके कारण आप में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, तनाव जैसी चीजें आ सकती हैं। इस समय आपके पति को धैर्य रखकर अपने पत्नी को सहारा देना चाहिए। आवर्षण की आकांक्षा इन्हीं 3 महीनों में सबसे ज्यादा होती। आज की चर्चा को मैं 2 भागों में बताना चाहूंगा। एक तो इन 3 महीनों में क्या जरूर करें और दूसरी इन 3 महीनों में बिल्कुल ना करें। पहले इन तीन महीनों में क्या करें, क्या हमें जरूर करना चाहिए। मातृशक्ति, इन 3 महीनों में डॉक्टर भी आपको सलाह देते हैं कि कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह, रेडिएशन वाली जगह, उबड़ खाबड़ रास्ते, पहाड़ों पर, प्रदूषण वाली जगह, गहरे पानी में जाने से आपको बचना चाहिए। आपको सिकनेस हो सकती है और इस सिकनेस को दूर करने के लिए आप नींबू पानी या अदरक की चाय पी सकते हैं। नंबर 2, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बच्चे के अंग बनने शुरू होते हैं। इस समय आपका प्यारा बच्चा 3 इंच का हो चुका होता है। ऐसे में आपको खाने की क्वांटिटी से ज्यादा खाने की क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए। दिन में 3 से 5 बार आपको नारियल पानी, फलों का जूस, नींबू पानी या शेक पी सकती हैं। यानी तरल पदार्थों का ज्यादा सेवन करना चाहिए ताकि हमारे शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा बनी रहे, पानी की कमी ना हो। मातृशक्ति, इस समय डाइट चार्ट जरूर बनाएं। 3 महीने में, इन पहले 3 महीनों में आप संपूर्ण भोजन, घर में बना हुआ ताजा भोजन जिसमें सारे विटामिन्स, न्यूट्रिशंस, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम से भरपूर चीजें हों, उसका सेवन करना चाहिए। इसके लिए आप दूध या दूध से बनी चीजें, सोयाबीन, अंकुरित दालें, हरी पत्तेदार सब्जी, ताजी दही, फ्रूट जूस, पालक, अंडा, मछली, गुड़, चना, मुरमुरे जैसी चीज ले सकती हैं। थोड़े थोड़े अंतराल के बाद ड्राई फ्रूट्स और छाछ पीती रहें तो ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। मातृशक्ति, प्रेगनेंसी के इन पहले 3 महीनों में आपके शिशु के उत्तम विकास के लिए आपका वजन भी 1 से 2 किलो बढ़ जाना चाहिए। नंबर 4, अपने भोजन में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 को जरूर शामिल करें। इससे नवजात शिशु का दिमाग, आंखें और तंत्रिकाओं का विकास होता है। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड जरूर लें, अपने डॉक्टर से राय ले लें। वैसे ड्राई फ्रूट्स, हरी पत्तेदार सब्जी, फिश, सरसों के तेल में भी ये मिलता है। इससे आपके अंदर खून की कमी नहीं होगी। इस समय आप अपने डॉक्टर से पूछकर आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां भी शुरू कर सकती हैं। मातृशक्ति, प्रेगनेंसी के इस दौर में आप अच्छा म्यूजिक, अच्छी किताबें, अच्छी फिल्में, ड्राइंग, पेंटिंग जैसी चीजें करके अपने को व्यस्त रखें। अपनी दिनचर्या के छोटे मोटे हल्के फुल्के काम करती रहें, डॉक्टर के अनुसार ही एक्सरसाइज भी करती रहें। इससे आपके शरीर में स्फूर्ति बनी रहेगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में क्या बिल्कुल ना करें। मातृशक्ति, कुछ महिलाएं बिना डॉक्टर की सलाह के अपने आप मेडिसिन लेना शुरू कर देती हैं। प्लीज ऐसा ना करें, ऐसा बिल्कुल ना करें। अपने डॉक्टर पर विश्वास रखें, खुद डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। अपने डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी मेडिसिन ना खाएं। इससे आपको और आपके होने जाने, आपको और आपके होने वाले नवजात शिशु को बहुत हानि हो सकती है। मातृशक्ति, आप इस समय तनाव,
क्रोध और प्रदूषण से दूर रहें। ऐसी जगह बिल्कुल ना जाएं जहां बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। तनाव, क्रोध और प्रदूषण से कई बार गर्भपात हो सकता है। नंबर 4, ज्यादा मसालेदार तला भुना बासी भोजन खाने से बचें। इससे गैस, जलन, अपच की शिकायत हो सकती है। जो भी खाएं फ्रेश खाएं, घर के बने भोजन का इस्तेमाल करें, बाहर के भोजन से जितना हो सके बचने की कोशिश करें। हंसती रहें, मुस्कुराती रहें, खुश रहें। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमसे इस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं या अपनी कोई बात रखना चाहते हैं या हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।